हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं इमरान टेक सॉल्यूशंस। दोस्तों, आजकल के ज़माने में जब आप कोई अपनी वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर, तो आप बताना चाहते हैं कि आया इस वीडियो के अंदर कौन सा मैटर है और ये क्या कहना चाह रहा है। जस्ट आजकल की रिक्वायरमेंट यही है कि जो व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो ये चाहते हैं कि क्योंकि ये जो आपकी वीडियो जा रही है, ऑन एयर जा रही है, वो ऑनलाइन जा रही है, वो पूरी दुनिया में जा रही है और हर बंदा जो है हर लैंग्वेज को भाई से ईजीली समझ नहीं पाता। तो ऐसे में अगर आप अपनी वीडियो अपलोड करने में वो चीज़ बताना चाहें कि इस वीडियो में आया ये म्यूज़िक के अलावा या एक्टिंग के अलावा ये कह क्या रहा है, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में उस वीडियो के अंदर जो है वो बाय टेक्स्ट जो है वो लिखकर आप ये बता सकते हैं, ताकि आपकी वीडियो पे इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी जो वीडियो है लोग ज़्यादा देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और हर कम्युनिटी का बंदा जो है इजीली उसको समझ पाएगा। तो लाजमी तौर पर इससे आपका चैनल या वीडियो ग्रो हो सकती है। तो इस वीडियो में, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक भी यही है कि आप अपनी वीडियो के अंदर कैसे जो है बेहतरीन जो है वो टेक्स्ट के ज़रिए भी बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। तो हाउ टू ऐड टेक्स्ट इन योर वीडियो। तो वीडियो को समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा समझने वाले हैं और बहुत ईजी हैं, आप उसको ईजीली समझ सकते हैं और उसको ईजीली जो है कर भी सकते हैं, जिसका आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आइए चलते हैं मेरी इस वीडियो की तरफ। वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो आइए चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ, इमरान टेक सॉल्यूशंस। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि किसी भी वीडियो के अंदर टेक्स्ट राइटिंग किस तरह करते हैं, उसकी एडिटिंग किस तरह करते हैं। तो उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइनमास्टर। काइनमास्टर जो है वो इजीली जो है गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाती है। आइए देखते हैं कि ये एप्लीकेशन गूगल स्टोर पर कैसे डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं। ये हमने गूगल अपना प्ले स्टोर खोला और इसमें हम सिंपली जाएंगे सर्च के एरिया में और यहाँ पर टाइप करेंगे काइनमास्टर। तो ये देखिए ऑलरेडी ये शो हुआ। तो ये ऑलरेडी मैंने ओपन किया, ऑलरेडी अपने मोबाइल में जो है इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये देखिए ये शो कर रहा है। तो आप इसको सिंपली यहाँ पर ओपन करें या आप इसको बैक जाएं, तो ये मेरे फ़ोन में आपको इसका लोगो ऑलरेडी दिखाएगा। तो ये देखिए ये ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। इसका मैं एक लिंक भी आपको आपके डाउनलोडिंग के लिए, इंस्टॉलिंग के लिए मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए इसको ओपन करते हैं। तो जब हमने इसको ओपन किया तो देखिए यहाँ पर मेरे प्रीवियस जो है वो 5 जो है प्रोजेक्ट ऑलरेडी शो कर रहा है। हमने अभी न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए हमें प्लस का बटन यहाँ पर प्रेस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपको डिफरेंट जो है 3 किस्म के जो है प्रोजेक्ट शो कर रहा है डिफरेंट साइजेस में। तो आपने सबसे पहले वाला प्रोजेक्ट 16.9 वाला इसको सेलेक्ट करना है। तो ये एक ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो अब दोस्तों हमने करना ये है कि हमने वो वीडियो सबसे पहले सेलेक्ट करनी है जिसमें कि हमने आप अपनी हैंड राइटिंग जो है, टेक्स्ट राइटिंग जो है ऐड कर दी। तो हमें ये 4 ऑप्शन यहाँ पर राइट पे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मीडिया, हमने मीडिया में जाएंगे और हमने वो वीडियो सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वीडियो लेनी है, वो मैं अपने एक एप्लीकेशन में जो मैंने डाउनलोड की हुई, आप कहीं से भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं फ़र्ज़ करें कि एक एप्लीकेशन यहाँ एक वीडियो है, ये मैंने यहाँ कलेक्ट सेलेक्ट की। तो ये देखिए ये वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है और मैं यहाँ पर ऊपर टॉप पे क्लिक के बटन को ओके कर दिया। तो ये वीडियो ऑलरेडी मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो आइए अब हम इसमें कोई फ़र्ज़ करें, मैं इसको सबसे पहले प्ले करके देखता हूँ।
नमस्कार, मैं रोहन, मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं ये। तो देखिए कि यहाँ पर जो है वीडियो ऑलरेडी इसमें आ चुकी है और रन भी हो रही है, चल भी रही है। तो हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले जो ओरिजिनल जो इसका साउंड है, ओरिजिनल वॉइस, वो हमने क्लोज कर दी। तो हमने सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद हम ये साउंड वाले ऑप्शन में राइट साइड पे जाएंगे और इसका साउंड जो है हम फर्स्ट करें ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हमने ये साउंड का ऑप्शन जो है वो ऑफ कर दिया और क्लिक करके ओके कर दिया। अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए इसकी ओरिजिनल वॉइस अब नहीं आ रही, सिर्फ वीडियो चल रही। दोस्तों अब हमने यहाँ पर कुछ अगर फर्ज करें, जैसा कि इस वीडियो का मकसद था एडिटिंग करना, राइटिंग की एडिटिंग करना, उसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है लेयर। हम लेयर में जाएंगे तो यहाँ पर एक चार पांच ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसमें से हम टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपका कीपैड, जो फ़ोन का कीपैड है, वो ऑलरेडी विजिबल हो जाएगा। तब तो हमने यहाँ पर कुछ भी लिखना है, फ़र्ज़ करें कि मैं अगर इंग्लिश में करना चाहूँ तो इंग्लिश में कर सकता हूँ, किसी भी लैंग्वेज में, वो तो आपकी कीपैड की सेटिंग के ऊपर है कौन सी लैंग्वेज पर वो सेट है। तो मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिखता हूँ ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, और हमने यहाँ पर ओके कर दिया। ये देखिए स्क्रीन पे ये मेरे जो राइटिंग की मैंने वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर ये करना है कि इसका जो है अगर हम इसका साइज़ चेंज कर, इसका जो लिखने का तरीका है, फॉन्ट है, स्टाइल है, उसके लिए ये ऑप्शन नज़र आ रहा है डबल ए का। इस पर हमने क्लिक किया तो ये डिफरेंट स्टाइल में आपके पास शो कर रहा है। कोई सा भी स्टाइल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकें, मुझे ये पसंद है तो मैंने ये सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो ये देखिए उस स्टाइल में ये कन्वर्ट हो गया। अब मैंने अगर इसका कलर चेंज करना है तो ये तीन ऑप्शनों में से राउंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ये कलर वाली गैलरी खोल देगा। हमने यहाँ से कलर लेना है तो मैंने फर्स्ट करें ग्रीन वाला सेलेक्ट किया, ओके किया, तो ये देखिए ग्रीन में सेट हो गया। हमने यहाँ से इसको मज़ीद ओके किया तो ये आ गया। तो अब इस राइटिंग का जो टाइमिंग है, जब तक ये टाइमिंग रहेगी, ये वीडियो में ये रहेगा, उसके बाद ये यहाँ से चला जाएगा। मीन्स कि आप कुछ और लिखना चाहें, और अगर आप इसको पूरी वीडियो पे रखना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, इसको ड्रैग करके यहाँ तक लाना है और इस पर क्लिक करना है। इस वॉइस जो राइटिंग है जो हमने सेलेक्ट की है, लिखी है, उसको हमने डायरेक्ट सेलेक्ट करना है और इसको हमने ड्रैग करके अपने फिंगर से या थंब से इसको हमने इस वीडियो तक ले जाना है। ये देखिए मैं इसको ऑलरेडी पूरी वीडियो तक ले गया हूँ और अब इसको मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। अब हम वीडियो चला के देखते हैं, ये हमने वीडियो प्ले की तो देखिए ये पूरी वीडियो के अंदर ये वो टेक्स्ट राइटिंग रहेगी जब तक कि ये वीडियो चलती रहेगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से मैंने इसमें राइटिंग ऐड की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों आपने देखी मेरी वीडियो और यकीनन आपको अब पता चल गया होगा किस तरीके से आप अपनी किसी भी वीडियो के अंदर जो है वो टेक्स्ट का एडिशन कर सकते हैं, जिससे कि देखने वाले पे और सुनने वाले पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी वीडियो या आपका चैनल जो है बहुत जल्दी जो है वो ग्रो हो सकता है। तो इसी तरीके से और भी मज़ीद वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सी यू।